So till now, we are dealing with the chapter 3, and today we are going to deal with the exercise 3.6. Here you can see that we are dealing with exercise 3 of chapter 3. Till now you have studied three methods to solve linear equations in two variables, pair of linear equations in two variables. So तीन तरीके के मेथड आप सीख चुके हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आपने सीखा है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और तीसरा मेथड जो आपने सीखा है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो जो ये एक्सरसाइज है इसमें हमें कुछ इक्वेशंस दी होंगी जिनको हमें पहले रिड्यूस करना पड़ेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, एंड देन वी हैव टू सॉल्व देम बाय एनी ऑफ वन ऑफ द मेथड. ठीक है, तो पहले पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं. जो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है वहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा उसमें 1/2x प्लस 1/3y. यहाँ पर ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, और जो दूसरा इक्वेशन हमको दिया हुआ है दैट इज 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6. तो सिंपल है, इसको पहले रिड्यूस करेंगे. तो रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या लेट करेंगे, 1/x को p मान लेंगे, ठीक है, और 1/y को q मान लेंगे. तो मेरे पास जो नया इक्वेशन निकल कर आएगा वो 1/x जहाँ पर लिखा है वहाँ पर p लिख दूंगी, तो p/2. फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज p/2. फिर जहाँ पर 1/y है वहाँ पर q लिख दिया, और नीचे क्या है मेरे पास 3, उसको एज इट इज लिख दिया. तो ये इक्वेशन मेरी रिड्यूस होगी, p/2 प्लस q/3 इज इक्वल टू 2. ये मेरा पहला इक्वेशन जो था वो रिड्यूस होके अब ये आ गया. अब यही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, 1/x की जगह पे लिख देंगे p, तो क्या बचेगा 1/3. तो p/3 1/y की जगह पे q, डिवाइड में 2 है तो उसको 2 लिख देंगे, ठीक है, और ये है 13/6. नाउ इन दीज इक्वेशंस, अब ये डिनोमिनेटर्स में है तो थोड़ा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे देखिए पहली वाली इक्वेशंस को लिखा है और उनका एलसीएम ले लिया है, ठीक है. तो ये क्या है, 3p है, 3p एलसीएम ले लिया 6, तो यहाँ पर ये 3 चला जाएगा ऐसे. तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2, ये 2 है. अब इस 6 को और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. तो ये मेरे पास जो पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन अब मेरे पास रिड्यूस होके क्या आ गया, 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12. ऐसे ही इस दूसरी इक्वेशन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, p/3 प्लस सेम चीज़, सेम प्रोसेस कर रहे हैं, एलसीएम ले लिया 6 आया, तो यहाँ पे 2 चला गया 2p, ये 3p 3q इज इक्वल टू 13, और डिनोमिनेटर का 6 6 दोनों का ही कैंसिल हो गया. तो मेरे पास जो नया इक्वेशन निकल कर आया दैट इज 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13. ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं. इन इक्वेशंस को अब इन इक्वेशंस में मैंने क्या किया, 13 को मैं इस साइड लेके गई तो माइनस साइन के साथ ये आ गया, और 12 को मैं इस साइड लेके गई तो माइनस साइन के साथ ऐसे आ गया. अब नीचे चलते हैं, तो नीचे क्या कह रहा है. अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास थ्री मेथड्स हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, पी वाली टर्म्स को अगर लिखना है, जैसे अब यहाँ पर लिख दिया पी क्यू एंड वन, ठीक है, तो अब पी जब लिख रहे हैं तो पी वाली टर्म्स को हाइड कर देंगे, इसको नहीं देखेंगे और इसको नहीं देखेंगे, तो क्या लिखेंगे 2 और 3. तो ये वाला जो 2 है ये यहाँ पर आ गया, और ये वाला जो 3 है ये यहाँ पर आ गया, ठीक है. फिर -12 लिख दिया, और फिर -13 की जगह पे -13 लिख दिया ऐसे, ठीक है. नेक्स्ट में जाएंगे तो q, अब ये q वाली जो टर्म्स है इस वाली को और इस वाली को मैं कलर चेंज कर देती हूँ. जब हम ये जो टर्म लिख रहे हैं ये, अब ये क्यू का लिखेंगे तो इन दोनों को हाइड कर देंगे, तो क्या लिखे जाएंगे, अब एक साइड का तो लिखा ही हुआ है -12 एंड -13, दूसरी साइड क्या लिखेंगे 3, और फिर नीचे क्या लिख देंगे 2. अब नेक्स्ट पे जाएंगे, जब 1 पे जाएंगे तो कलर चेंज कर लेते हैं, एक सेकेंड. हाँ, तो जब उस पे जाएंगे तो हम
सब करेंगे, अब वन वाली टर्म को हाइड कर लेंगे, जो भी हमारे पास न्यूमरेटर है, जैसे ये वाली टर्म है, इसको हाइड कर दिया, ठीक है, इसको हाइड करके फिर हमने कौन सा लिख दिया, लिख दिया 2 एंड 3, तो कौन सा आ गया, ये 2 और ये 3, पहला वाला ही रिपीट हो जाता है, लास्ट वाले में पहला वाला ही रिपीट हो जाता है जो सबसे पहले लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ था वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो गई है। अब कुछ नहीं करना, एरोज़ के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करना है, तो पी के नीचे लिखेंगे, पी डिनोमिनेटर में 2 × −13 विच इज़ इक्वल टू −26 माइनस, अब यहाँ पर माइनस है, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक माइनस साइन आएगा, और 3 × −12 करेंगे तो प्लस का 36। अब सॉल्व करके कितना आ जाएगा, P/10। ऐसे ही Q का सॉल्व कर लेते हैं, Q का आ जाएगा −12 × 2 विच इज़ −24 −13, एक और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 39 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 15 बचेगा, सो दैट इज़ Q/15। यहाँ पर सॉल्व किया 1, 3 3 ज़ा 9 −4, तो बचेगा कितना, 5। अब सिंपल है, इस वाली P/10 को इक्वेट कर देंगे कॉन्स्टेंट के साथ, तो हमारे पास P का वैल्यू आ जाएगा 2, और Q वाली को इक्वेट कर लेंगे कॉन्स्टेंट वाली के साथ, तो हमारे पास Q का वैल्यू आ जाएगा 3। अब ये P एंड Q का वैल्यू आया है, पर हमें किसका वैल्यू चाहिए, X एंड Y का, तो अब जो हमने लेट किया था उसमें P एंड X का वैल्यू डालेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू। तो अब हमने क्या लेट किया था, 1/X इज इक्वल टू P, तो P का वैल्यू कितना है 2, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, जैसे 1/X इज इक्वल टू P, अब P का वैल्यू, सॉरी एक सेकेंड इससे लिख देते हैं, तो P का वैल्यू कितना है, 1/X इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू कितना, x को इधर लेके जाएंगे, x को इधर ले गए तो 1/2 इज इक्वल टू x, ऐसे लिख दिया। ऐसे ही Q का वैल्यू लिखेंगे तो 1/Y इज इक्वल टू Q, अब Q का वैल्यू मैंने कितना निकाला था, विच इज़ आई हैव कैलकुलेटेड 3, तो वाई को ऊपर लेके जाएंगे, वाई को यहाँ लेके जाएंगे, सो 1/3 इज इक्वल टू वाई, तो वाई का वैल्यू आ गया 1/3 और एक्स का वैल्यू आ गया 1/2। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ अवर इक्वेशन। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी 1/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए आप, यहाँ पर रूट दे रखा है और यहाँ पर भी रूट दे रखा है, तो मैं क्या करूँगी, रूट वाली चीज़ को मान लेती हूँ, 1/ ये जो है 1/√x को मान लिया p और 1/√y को मान लिया q, तो मेरे पास जो पहला इक्वेशन है वो रिड्यूस होके क्या आ जाएगा, 2p + 3q इज इक्वल टू 2, तो ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था ये इसमें रिड्यूस हो गया। अब दूसरा इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, 4p + सॉरी माइनस है, 1 सेकेंड, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, −9q इज इक्वल टू −1, ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे कि आपको शॉर्ट पड़े, मतलब आपको टाइम भी तो बचाना है ना बोर्ड एग्जाम्स में, तो सिंपली है, आप देखो हम सबसे शॉर्टेस्ट मेथड क्या यूज करेंगे, इस इक्वेशन के साथ हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 4p + 6q इज इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4p - 9q इज इक्वल टू −1। अब पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, तो साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पे माइनस का ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया पूरा ही, ठीक है। अब 9 + 6 कितना होता है, 15q इज इक्वल टू 5, तो q का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/15 विच इज इक्वल टू 1/3, तो q का वैल्यू आ गया मेरे पास 1/3। अब q क्या था, यहाँ से q क्या था, q जो था, q इज इक्वल टू 1/√y, ठीक है, तो अब रूट वाई का वैल्यू निकालना है, अब हमें तो वाई का वैल्यू निकालना है, तो वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/3, q का वैल्यू लिख दिया 1/3 इज इक्वल टू 1/√y, ये यहाँ पे लाइन खींच देते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है, अब √y इज इक्वल टू 3, अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए, वाई का वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा दोनों साइड, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर तो वाई आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9,
तो y का वैल्यू कितना हो गया 9। सिमिलर तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ योर p। p का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो p का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो q का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन, ठीक है, जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई थी, हमारे पास जो भी दो इक्वेशन आई थी, जैसे पहली इक्वेशन थी ना 2p + 3q = 2, यहाँ पर मैं q का वैल्यू डाल दूंगी। q का वैल्यू कितना था 1/3 मल्टीप्लाइड, सो 3 और 3 गॉट कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा 2p + 1 = 2। क्या बचेगा मेरे पास 2p + 1 = 2। अब इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा 1। सो एंड p 2 को इसको डिवीजन में लेंगे तो p का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1/2। अब p = 1/√x था, अब यहाँ पर p का वैल्यू डाल दिया विच इज 1/2। अब √x = 2, 1 1 गॉट इरेज, सो 2 = √x। अब क्या करेंगे, सिमिलर जो हमने पहले किया था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √x का x आ जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो अब हमारा आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं, जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो ये रही, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है और y की वैल्यू कितनी है 9 है। थैंक यू, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है।